हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मैं शिला, मेरे चैनल में आप सभी को बहुत स्वागत है। अभी 9 बजे हैं और मैं पूजा ख़त्म करके आई, तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। चलो, आप सभी को रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज रथ यात्रा है, आप सभी को महाप्रभु जगन्नाथ बहुत सारी खुशी दें, बहुत सारे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। तो उनके बारे में जितना भी कोई बोलेगा तो उतना ही कम पड़ जाएगा। कोई ऐसा भगवान नहीं है कि इतना दयालु भगवान कोई नहीं है जितना वो है। तो ज़रूर आपको कभी टाइम मिलता है या वो कभी बुलाएंगे तो आपको आना ही पड़ेगा उनके दर्शन के लिए। तो आज उनका फेस्टिवल है और सबके घर में बहुत सारा क्या बनती है, बहुत सारा खाना बनती है, बहुत लोग खुश रहते हैं। गाँव में, शहरों में बहुत छोटे छोटे रथ बना के उनका ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे गांव में भी बनती है और सेलिब्रेट हर जगह ही करते हैं, पर हम लोग तो बाहर नहीं जा पाए तो इसलिए हम लोग घर में उनके लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से जितना होगा उतना ही उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद बना के उनको खिलाएंगे आज। तो चलो, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं, क्या क्या बनाएंगे उनके लिए आज। जैसे कि आप सबको पता है, आज ओडिशा में हम लोग का रथ यात्रा है, इसलिए हम लोग प्रसाद बनाने जा रहे हैं। और आज प्रसाद में है चावल, मिक्स वेज और खीर बनेगा। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज, इसके बाद फिर हम चावल बनाएंगे, फिर खीर बनाएंगे। अभी आज हमारा सारा का सारा खाना चूल्हे पे ही बनेगा, ठीक है? आप देखते रहिए। ये देखिए, ये मेरी लड्डू है। आज उनको मैं जगन्नाथ जी के जैसा सजाया हूँ, काले रंग किया हूँ उनका। तो आज उनका सिंगर कैसा लगा आपको? ये देखिए, हमारे घर में सुबह सुबह टीवी ऑन हो गई है और मेरे पापा देख रहे हैं रथ यात्रा की लाइव। ये अभी जगन्नाथ जी का पंडी चल रही है, वो रथ में आ रहे हैं। तो चलो, उनका पंडी हो रही है। अभी हमारा अभी खाना बनाना है, चलो खाना बनाएंगे हम। अभी टाइम हो जाएगा 12 बजे, भोग भी लगाना है भगवान जी के पास। अभी 11 बज गया है और मेरी मम्मी अभी शायद खीर बना रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। ये लेट हो गया तो इसलिए मेरी मम्मी यहाँ पर चावल बना रही हैं गैस पर। लेट हो गया, अभी खीर बनेगा, टाइम लगेगा तो चूल्हे पर हम खीर बनाएंगे। अभी गैस में चावल बैठा दिया है मम्मी ने। अभी हम लोग ये मसाला बन रहे हैं सब्जी के साथ मिला के। अभी मिक्स वेज बन रहे हैं हम लोग का, और थोड़ा बस टाइम लगेगा। इसको देखो, ये हमारा घर का बिल्ली है, लेकिन ये घर को छोड़ के बाहर ज़्यादा रहना पसंद करते। भले ही घर पे चूहे पड़ गए हैं, लेकिन इसको बस अपने खाने पे ही मतलब है। अच्छा अच्छा खाना बस मिल जाए और बाहर घूमते रहे घूमते रहे। किसी को इतनी गर्मी में घर पसंद आता है, कोई एसी में चला जाता है, लेकिन ये नहीं, बाहर घूमता रहेगा। यहाँ पर मेरी मम्मी धान को धूप दे रही हैं। ये मार्गशीर महीने में लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, ये धान उस पूजे में पूजा होती है। तो इस धान को रथ यात्रा के 9 दिन के अंदर ये धान को कूट के चावल निकालते हैं और इसको खाते हैं घर के सारे लोग। तो जो शादीशुदा लड़की हैं वो नहीं खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे। तो अभी आज तो मैं भी नहीं खाऊंगी और ये हमारे घर के सब लोग खाएंगे। खिचड़ी हो या खीर, कुछ भी बना के मीठा मीठे की चीज़ बना के ये खाते हैं। मिक्स वेज हो गया है, अभी हम उसमें गरम मसाला डालते हैं। ये हो गया है, अभी हम उसको निकाल के खीर बनाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है और बहुत लेट हो गया। ये देखिए, मेरी मम्मी खीर बना रही है। ये देखिए, ये राइस है, प्लेन राइस, और ये खीर है।
यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लिया हूँ, ठंडा कर रही हूँ। और ये मिक्स करी है और यहाँ पर दही की शरबत बन रही है। केले के पत्ते ले आया हूँ, अभी इसमें जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद देंगे और इसमें मेरे कन्हैया के लिए। ये देखिए ये बन गया है हमारा प्रसाद। तो ये प्लेन राइस है, ये दूध है, ये मिक्स करी है, ये खीर है, ये मक्खन है और ये दही का शरबत है। ये मेरी कन्हैया के लिए है। ये देखिए ये कब से बैठे हैं खाने के लिए, उनके लिए यहाँ पर मैं प्रसाद लाई हूँ। और ये मेरी कन्हैया है, मेरी लाडो है और इनके लिए यहाँ पर इनको अभी उनका खाना हो गया है। अभी उनका सोने का टाइम हो गया है, 2 बज गया है, लेट हो गया। तो अभी मैं उनको सुला देंगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये देखिए 2:30 बजे, अभी हमारा काम ख़त्म हुआ, खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी 2:30 बजे। और कितना ज़ोर से धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। आज सोच रहे थे कि रथ यात्रा है, शायद बारिश होगा, पर बारिश नहीं हुआ, बहुत ज़ोर से धूप हो रही है। तो जो लोग पुरी में है, शायद वहाँ पर इतना धूप है कि नहीं पता नहीं। तो चलो, आप सभी को फिर से हैप्पी रथ यात्रा की शुभकामनाएँ। आज आप दिन भर जगन्नाथ जी की दर्शन कीजिए, आप सभी को हम लोग भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करिए। और उनका बुलावा आए तो ज़रूर आइए उनका दर्शन करने के लिए पूरी धाम। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और पहली बार मेरे चैनल में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टाटा, बाय बाय।